नमस्कार दोस्तों, आज हम कूलर के बोर्ड का वायरिंग करने जा रहे हैं, जिसे आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसमें कूलर का एक लीड वायर है और एक कूलर के मोटर का वायर है और एक कूलर के पंप का वायर है। तो अब हम इसे इस बोर्ड में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो बटन और एक इंडिकेटर लगा है। तो इस बोर्ड के नीचे हिस्से को हम आपस में शॉर्ट कर लेंगे और उसके बाद कनेक्शन जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम नीचे को शॉर्ट कर लिए हैं और इस नीचे के इंडिकेटर में हम फेस वायर डालेंगे। अब हम पंखे के एक वायर और मोटर के पानी मोटर के एक वायर को न्यूट्रल के साथ जोड़ेंगे और इंडिकेटर के नीचे वाले हिस्से में डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद जो एक एक वायर बचा है, उसे दो बटन के